शांति। संग दोष से बचने वाले फाइन कर्म योगियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 17 दिसंबर 2023 की अव्यक्त वाणी चली है 6 मार्च 1997 के शिव जयंती के अवसर पर, जिसमें बाप दादा हमें एक अनूठा गिफ्ट दे रहे हैं और वो है मोहब्बत का झूला। इस अवसर पर बाबा सबको अनोखे म्यूजियम में घुमाने ले जाते हैं। क्यों खास है ये म्यूजियम, मुरली सुनकर सभी विचार सागर मंथन करेंगे। अब ऐसे मौके पर हम बाप दादा को क्या रिटर्न गिफ्ट दें? नहीं चाहिए बाबा को गिफ्ट? चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा इंतजार करेंगे, बाबा खुद ही बताएंगे। आज एक और बेहतरीन गिफ्ट बाबा हमको देते हैं और वो है हमारे 108 की माला में आने की गारंटी। जी हाँ, सही सुना सबने, 108 की माला में आने की गारंटी। उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं, वो भी हम समझेंगे। हमारी परिस्थितियों व समस्याओं का कारण जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। शिव भगवान स्वयं मिलने आए, अपनी जयंती मनाने आए। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। डायमंड हॉल में शिव जयंती मनाने के लिए देखो, बाबा कहते हैं बच्चे भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूप धारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूप धारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। देखो सारे रूप बाबा ने याद दिला दिए। वाह शालिग्राम बच्चे, वह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता। हाँ, तो भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है, भक्तों में और बाबा के बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, बाबा के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षाले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। भक्त क्या करते, शिवरात्रि मनाते, और हम क्या मनाते हैं, शिव जयंती। तो शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। देखो सबसे दूर से तो बाबा आए हैं ना, परम धाम से, तो सभी स्नेह से आए हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। भगवान हम बच्चों के बिना
बाबा कहते हैं कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। पहले बच्चों को निमित्त बनाते और फिर देखो बैकबोन कंबाइंड करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता, निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले आते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए, बच्चों का भी वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे सिर्फ निराकारी दुनिया तक। देखो बाबा तो फिर परम धाम में रहते हैं ना, और हम सुख धाम में आ जाते हैं, साकारी दुनिया में आ जाते हैं अपना पार्ट बजाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे छोड़कर चले आते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है, तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। बच्चों के बिना बाबा रह नहीं सकते, तो बाबा साकार तन का लोन लेते हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। अब चेक करना है, क्या हम बाबा के बिना रह सकते हैं? रहते हैं, रहना चाहिए। देखो बाबा तो नहीं रह सकते बच्चों के बिना। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं, इसीलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बाबा हमसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन न्यारे रहते हैं। तो बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास, आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। गिफ्ट का म्यूजियम, आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं व भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। बाबा तो गिफ्ट नहीं देखते ना, स्थूल चीजों की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्यार सबका, स्नेह सबका, ये बाबा को स्वीकार है। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह संपन्न गिफ्ट, इसका म्यूजियम बाबा के पास लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। बाबा पैसों से कोई भी गिफ्ट का मूल्य नहीं आंकते हैं, बाबा के लिए बच्चों का स्नेह सर्वोपरि है। तो बाबा कहते हैं चाहे छोटी सी भी चीज है लेकिन स्नेह भरा हुआ है बच्चों का उसमें, इसलिए वो चीज बहुत महान है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसीलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। हम कैसे गिफ्ट आंकते हैं किसी की, चेक करना है। तो क्या बाप समान हम हैं? स्नेह देखते हैं? गिफ्ट कोई भी हमें देता है उसके पीछे उसका प्यार कितना है, स्नेह कितना है, हमें उसका रिगार्ड रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास तो स्नेह का म्यूजियम है, ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। है ऐसा म्यूजियम? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। वाह, बाबा कोई भी चीज देखते हैं, कोई वस्तु गिफ्ट है, बाबा कहते हो मुझे उसमें बच्चों का स्नेह और बच्चों की सूरत दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं, जैसे गिफ्ट देखा बाबा ने कहा, एक विचार आया मन में, बताएं, करना पड़ेगा, करेंगे, तैयार हैं,
सोचना नहीं, सोच समझ के बोलना बाबा क्या बोलेंगे करने के लिए। बाप दादा को संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट? वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं, तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बलिहार चले गए, बाबा कहते या फिर थोड़ा कुछ रखा है संभाल कर, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासे देते हैं, आप फिक्र नहीं करो हो जाएगा, बाबा आप फिक्र नहीं करो हो जाएगा, हम संपूर्ण बन ही जाएंगे। हाँ, ऐसे बाबा को देखो तसल्ली देते, दिलासा देते। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। देखो हम क्या सोचते हैं बाबा को पता चलता है ना? तो बच्चे जो सोचते हैं इस तरह से दिल शिकस्त की बातें, थकावट अनुभव करते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं, बाबा कहते हैं ये बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। इसके बच्चे हैं भगवान के बच्चे और मेहनत कर रहे हैं, मुश्किल अनुभव कर रहे हैं, बाबा कहते सुनने में भी नहीं अच्छा लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दे। वह स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी, वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। स्थूल गिफ्ट तो बाबा लेकर नहीं जा सकते ना परमधाम में, बाबा कहते हैं संकल्प जो हम करें वो बाबा साथ में लेकर जा सकते हैं। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहाँ जाकर वापस ले लेंगे? कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे, बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आए, लेकिन आ जाती है, हमने तो आपको दे दिया, हम नहीं चाहते हमारे पास वापस आए, लेकिन फिर भी आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है यह राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और कोई ज़बरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? कोई हमें कुछ देता है हमें नहीं पसंद आता, ज़बरदस्ती भी देता है, तो बाबा कहते हैं आप वापस कर देते हो ना, वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी लेकिन आप स्वीकार नहीं करो, ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो, फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। हिम्मत करो और बाबा की मदद न मिले ऐसा हो नहीं सकता। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है, शिव भगवान उवाच, गारंटी है, हिम्मत आपकी मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं हिम्मत है या नहीं है,
हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। बाबा कहते हिम्मत वाले तो हैं बच्चे, यदि हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। बन तो गए बाबा के, लेकिन अब और हिम्मत कर सकते हैं। जब जिस समय हिम्मत की ज़रूरत होती है तो फिर भूल जाते हैं। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। कुछ हो गया, फंस गए परिस्थिति में, फिर याद आता है। समय पर सब शक्तियाँ, समय प्रमाण यूज़ करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। सब कुछ है हमारे पास, साधन, शक्तियाँ, बातें, सब कुछ पता है, इलाज पता है, दवाई पता है, लेकिन समय पर यूज़ ही नहीं करते हैं। तो जो समय पर यूज़ कर ले, बाबा कहते हैं वो है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। तो बहुतों ने सुना है कि इस बात की खुशी है बाबा को। सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। जो हम बोलते हैं ना, बच्चे जो भी बोलते हैं, बाबा का आंसर हमेशा उससे अलग ही होता है। होता सबका ठीक है, लेकिन उस समय बाबा का संकल्प कोई नहीं पकड़ सकता है। तो सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत वही सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बहुत गहरी गहरी बातें बच्चों ने सुनाई, तो बाबा कहते हैं आप तो बहुत वही सुना रहे हो, बहुत डीप में चले गए, नॉलेजफुल हो गए ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियाँ आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा था ना पिछली मुरली में कि 108 की माला में आना है, किसको किसको आना है वो अपना नाम दे दो। तो बच्चों ने नाम दिया, 108 से तो ज़्यादा हो गए। तो बाबा कहते हैं कि 5, 6, 7, 8 लड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। तो जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं, पता नहीं, नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। पता कर लिया, चिट्ठी में अपना नाम लिख दिया, तो अब तो आना ही है, पीछे नहीं हट सकते हैं। बाबा कहते हैं दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। एक चिट्ठी में लिख के रख लो, बार बार उसको पढ़ो, देखो, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है, अटल जिसको टाल नहीं सकते, अखंड जिसको भेद नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, अखंड माना संपूर्ण, पूरा का पूरा। तो ऐसा अटल अखंड निश्चय है जो कभी खंडित ना हो। तो माया को हिलाने के लिए भेजे? नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो? माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। पिछली मुरलियों में भी कहा ना बाबा ने, मरी हुई चींटी है, पहले भी बताया कागज का शेर है। तो माया तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। जो हम बोलेंगे वही होगा। माया कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। हम बोलेंगे माया आ नहीं सकती तो माया आएगी नहीं, क्या करें? तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है, किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वह लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो।
या नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, या नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं, दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे, हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप यह चिंता नहीं करो। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। बाबा ने कहा आपका नंबर आ जाएगा, कितने हाथ उठा रहे हैं आप ये मत देखो, कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। बाबा कहते ये आप नहीं देखो, भगवान गारंटी दे रहे हैं, बाप की गारंटी है कि आपको नंबर मिल ही जाना है, आप तो बस दृढ़ संकल्प करो कि हमें तो 108 की माला में आना ही है। तो आप किनारा नहीं करना, बाबा कहते हैं अब वादा किया है तो अब किनारा नहीं करना, भूल मत जाना, छोड़ मत देना। माला के बीच में धागा खाली नहीं करना, एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ यह नहीं करना। बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे, आपने निश्चय कर लिया, दृढ़ता का आप ठप्पा लगा रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते फिर कितने भी हैं आप ये मत सोचो, आप आओगे, बस आप छोड़ना नहीं, किनारा नहीं करना, पीछे मत हट जाना। बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे, सिर्फ किनारा नहीं करना, ये नहीं करना। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं, तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ, 108 की माला में सबको वेलकम है। बाबा कहते 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। गिफ्ट आपको देना पड़ेगा तब उस माला में आएंगे। क्या गिफ्ट चाहिए बाबा ने बता दिया, याद है ना, आलस अलबेलापन ना हो, अकेलापन अनुभव ना हो, दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते हैं कि ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बनाई है, बाबा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, तो ये गिफ्ट तो बाबा जरूर लेगा, गिफ्ट नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा, तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं, वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या हैं, बाबा ने कहा कि आप पीछे क्यों चले जाते हो, उसका कारण 3 है। क्या है वो 3, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। तो अशुभ व व्यर्थ सोचना, बोलना और करना, सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं, जरूरत ही नहीं है जिनकी, विकर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है, और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है लेकिन सोचने में बहुत आता है। देखो एक एक सोच हमारी पहुंचती है बाबा तक। बाबा कहते हैं भले बोले नहीं करे नहीं लेकिन सोचते जरूर है बच्चे, व्यर्थ अशुभ। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है, तो बाप दादा आज यह 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं। तैयार हैं, जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ, जिन्होंने वादा कर लिया कि अशुभ व्यर्थ न सोचेंगे न बोलेंगे न करेंगे, बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ, ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो, छोटा छोटा हाथ उठ रहा है, धीरे धीरे हाथ उठ रहा है, बाबा कहते हैं ड्रिल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हो, मोटे हो जाते हो। अच्छा सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना, यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया क्या करें, उस समय तो उठा लिया बोल दिया, बाबा कहते ये नहीं बोलना कि मुख से निकल गया क्या करें,
मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार ही निराकार ही हैं। बाबा देखते हैं ऊपर से, बाबा चाहते भी हैं बोलना कि बच्चे क्यों मेहनत कर रहे हैं, आना चाहते हैं तुरंत, लेकिन बाबा कहते हैं अब तो बाबा आकारी है निराकारी है, बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। है ना ऐसा अनुभव, करना कुछ नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। हाँ, सिर्फ क्या करना है, बाबा कहते हैं बाबा से मोहब्बत हो जाए तो मेहनत अपने आप छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की झूलने की कोशिश करो। छोड़ना क्या है इस पे ध्यान नहीं देना है, करना क्या है ये करो तो जो छोड़ने वाली चीज है वो अपने आप छूट जाती है। होगा ऐसा सभी का अनुभव है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की झूलने की कोशिश करो। अंधेरे को भगाना है, अंधेरे को भगाना है नहीं, लाइट जलाओ, स्विच ऑन करो, अपने आप अंधेरा भाग जाएगा। अज्ञानता दूर करनी है, कैसे करेंगे, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, अज्ञान अंधकार अपने आप दूर जाएगा। तो शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों पे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी बच्चे किनारा कर लेते हैं, मुझे ही नहीं पता पड़ता। तभी बाबा कहते हैं ना आश्चर्य होता है, वंडर होता है। तो छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ है झूलना। अब ये नहीं कि अमृत वेले में नींद के झूले में झूले, हाँ झूलना माया में नहीं, माया भी झूलाती है। अमृत वेले देखो माया ऐसे झूलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। हाँ, एक भाई क्या था, बाबा के कमरे में ऐसे झुक झुक के सो रहा था, अमृत वेला में योग में बैठा और झुकते जा रहा है। किसी भाई ने उसको बोला क्या कर रहे हो, बोला मैं धरती को सकाश दे रहा हूँ। देखो ऐसे झूल झूल के, नींद में झूल झूल के धरती को सकाश दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं, माया भी झुलाती है। और अमृत वेले देखो कैसे झुलाती है माया, जो सूक्ष्म वतन या निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला, मिला कुछ, थक गए ना। अभी अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो। अतिंद्रिय सुख खुशी के झूले में झूलना है, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो, कितने झूले हैं। आज होमवर्क करो, कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचों में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना, तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है। परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है, पांच तत्वों से बनी काया। बाबा कहते हैं यदि देह भान में आते हो तो देह क्या है, मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं, मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना, मिट्टी में पांव क्यों रखते हो, मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है
कई मिट्टी खाते भी हैं, कहते हैं ना देखो चूना खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, कैल्शियम की कमी है, मिट्टी खाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना, देह से रिलेटेड कोई भी संकल्प आया मना मिट्टी में पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद। देखो बाबा ने हमारी गिफ्ट कबूल कर ली। हाँ, तो अब गिफ्ट दे के वापिस नहीं लेना है। तो देह के संबंधी पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, इनके बारे में संकल्प न चले। बाबा कहते हैं बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सुभविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। कितने सारे स्वमान दिए बाबा ने, है नशे में सभी। तो कभी भी मिट्टी में पाँव नहीं रखने वाले, सदा मोहब्बत के झूले में झूलने वाले, आनंद के झूले में झूलने वाले, चाहे जो भी मन हो उस झूले में झूलने वाले, सिर्फ मिट्टी पर पाँव नहीं रखने वाले हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाप दादा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाबा कहते हैं तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। कौन से तीन संबंध? दाता, विधाता और वरदाता, बाप, टीचर और सतगुरु। देखो बाप है दाता, विधाता टीचर है विधान सिखाने वाला, और सतगुरु है वरदाता, वरदान देने वाला, बाप है वर्षा देने वाला। तो दाता, विधाता और वरदाता। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाप की प्रॉपर्टी पे हमारा पूरा हक, तो अधिकारीपन का नशा। और इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं बाबा शिक्षक के रूप में, गॉडली स्टूडेंट। हाँ, सच्ची कमाई हम कर रहे हैं, कैसे हम अपना भाग्य बना सकते हैं ये विधान सिखाते हैं, विधि बताते हैं हमें। और सतगुरु तो वरदान दे ही रहे हैं, सदगति मिलती है। बाबा कहते हैं हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। तो ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो,
सब कुछ मिल गया तो फिर मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। हमारी बुद्धि में और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय बाबा और मुरली के। बुद्धि रहेगी हल्की, और जितनी महीन बुद्धि उतनी तीक्ष्ण बुद्धि, उतनी बाबा की बातें हमें समझ में आएगी। मोटी बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि, सालिम बुद्धि, प्योर बुद्धि। हाँ, तो बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। तो ये थी अव्यक्तवाणी, रिवाइज करेंगे आज बाप और बच्चों का जन्मदिवस शिव जयंती, सबको मुबारक। बाबा सदा बच्चों के साथ, कंबाइंड बैकबोन करावनहार, है ना अनुभव। बाबा के पास स्नेह का म्यूजियम, बच्चों के पास सेवा का म्यूजियम। बाबा को हमसे चाहिए गिफ्ट, मेहनत, आलस, अलबेलापन, दिल शिकस्तपन, थकावट, अकेलापन, ये सब बाप पर बलिहार कर दे, पूरी तरह से न्योछावर कर दे। फिर बाबा 108 की माला की लड़ियां बढ़ा देंगे, लेकिन हमें कभी भी किनारा नहीं करना है। अशुभ और व्यर्थ न सोचना, न बोलना, न करना। कैसे होगा ये सब? जब हम सदा मोहब्बत के झूले में झूलेंगे तब। तो अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलना है, देवभान की मिट्टी से ऊपर। क्या होगा फिर? सर्व प्राप्ति संपन्न होने का वरदान मिल जाएगा और हमारी पर्सनालिटी हो जाएगी सबसे सुंदर। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं व्यर्थमुक्त आत्मा हूँ, मैं व्यर्थमुक्त आत्मा हूँ। हम बाबा के और बाबा हमारे। ओम शांति।